दोस्तों बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है, मगर अब भी वहां हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं। हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू घरों पर कब्जे किए जा रहे हैं, हिंदुओं से नौकरियां छीनी जा रही हैं, जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन पर लगा बैन हट गया है, अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकी जेल से भाग चुके हैं, हर दिन सड़कों पर रैलियां निकालकर भारत और हिंदुओं के खिलाफ भावनाएं भड़काई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को शर्म नहीं आ रही है। वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं हो रही है, बल्कि ये तो पॉलिटिकल हिंसा है। उल्टा वो भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत इस वायलेंस को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। कुल मिलाकर शेख हसीना के जाने के सिर्फ एक महीने के अंदर बांग्लादेश पूरी तरह अफगानिस्तान बनने के रास्ते पर आगे निकल चुका है। कट्टरपंथी जल्द ही इस मुल्क का वो हाल कर देंगे जो उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान का कर रखा है, और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं कि कैसे बांग्लादेश सिर्फ 6 महीने में अफगानिस्तान बन जाएगा, कैसे बांग्लादेश जो हर मायने में पाकिस्तान से बेहतर कर रहा था वो जल्द ही खुद पाकिस्तान बनकर बर्बाद होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बांग्लादेश के खुलना में पुलिस स्टेशन में हाथ जोड़कर खड़े इस लड़के का नाम है उत्कर्ष मंडल। खबर है कि इस्लामिक जिहादियों ने पहले तो हिंदू देवी देवताओं पर उल्टी सीधी बकवास करके उत्कर्ष को भड़काया। इस पर उत्कर्ष ने गुस्से में जब कुछ कह दिया तो उस पर ईश निंदा का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बात यहीं खत्म हो जाती तब भी ठीक था। बीच पुलिस स्टेशन में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जिहादियों ने उत्कर्ष को पीटना शुरू कर दिया। जब भीड़ ऐसा कर रही थी तो पुलिस भी वहां खड़ी तमाशा देखती रही। इसके बाद उत्कर्ष की मार मार कर वो हालत कर दी गई कि वो तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते। उत्कर्ष को इतना मारा गया कि वहां की मस्जिद से लाउडस्पीकर पर उसकी मौत का ऐलान करके जश्न तक मनाया गया। पहले खबर आई कि वो मारा गया, फिर आर्मी ने क्लेम किया कि नहीं उसका इलाज चल रहा है। मोहम्मद यूनुस कुछ भी दावा करें, मगर ये इकलौती तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसे कैसे जुल्म किए जा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात इस्लामी के लोगों की मदद के बहाने वहां जहर भर रहे हैं। इस तस्वीर में जमात इस्लामी का जो कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहा है उसकी टी शर्ट पर लिखा है, अपने बच्चों को पढ़ाओ कि भारत से नफरत कैसे करें। आप देखिए देश में बाढ़ आई है, हजारों लोग उस बाढ़ में फंसे हैं, मगर उस वक्त भी ये जिहादी संगठन अपने एजेंडे पर काम कर रहा है, तब भी हेल्प के नाम पर ये लोग नफरत बांट रहे हैं। आपको बता दें कि कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी पर हाल ही तक बांग्लादेश पर बैन लगा हुआ था, मगर मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट बनते ही जमात इस्लामी पर से बैन हटा लिया गया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये वही जमात इस्लामी है जो बांग्लादेश में पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है, जो शेख हसीना की सेक्युलर सरकार को पसंद नहीं करता था। ये वही जमात इस्लामी है जिसने शेख हसीना के तख्ता पलट के फौरन बाद 71 की लड़ाई के वॉर हीरोज के बूत तोड़ने शुरू कर दिए, और मोहम्मद यूनुस ने देश की कमान अपने हाथ में लेते ही इन मजहबी जानवरों का पट्टा खोलकर इन्हें सड़क पर छोड़ दिया। बहरहाल हमने बांग्लादेशी हिंदुओं की इसी हालत पर हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी से एक पॉडकास्ट में बात करी थी। आप चाहें तो द रौनक पॉडकास्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाल ही में रसराज जी महाराज के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है जो हम इसी चैनल पर रिलीज करने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करिएगा, जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू। वीडियो में आगे बढ़ते तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता की। एक और तस्वीर देखिए इस महिला की। इस महिला का नाम है शुक्ला रॉय। ये बांग्लादेश के एक सरकारी कॉलेज बकरगंज की प्रिंसिपल थी। इनसे जबरदस्ती एक लाइन का इस्तीफा लिखवाकर इनको इनके पद से हटा दिया गया। बांग्लादेश की हिंदू बौद्ध ईसाई संस्था ने आंकड़े जारी करके बताया कि 5 अगस्त के बाद से आज तक बांग्लादेश में 50 से ज्यादा हिंदू टीचर से जबरदस्ती इस्तीफे लिए गए। आज तक ने बाकायदा ऐसे तमाम टीचर्स की एक लिस्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि कैसे बांग्लादेश के लगभग हर हिस्से से हिंदू प्रोफेसर्स, हिंदू प्रिंसिपल, हिंदू टीचर्स से इस्तीफे लिए जा रहे हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद ये बेशर्म मोहम्मद यूनुस कहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, जब से शेख हसीना गई है और ये निर्लज मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में आया है तब से ये लोग दिन रात भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा चला रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले दिनों बाढ़ आई तो इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि ये बाढ़ भारत की वजह से आई है। भारत ने अपने डैम से पानी छोड़ने से पहले बांग्लादेश को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और तो और जिस अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश में ये सारा तख्ता पलट हुआ है उसका वीडियो भी इसी झूठ को फैलाने में लगा था कि भारत की वजह से बांग्लादेश में ये बाढ़ आई है। मगर बाद में जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो ये बात पूरी तरह झूठी साबित हुई। ये बात सामने आ गई थी कि इंडियन अथॉरिटीज ने अपनी तरफ से जरूरी इन्फॉर्मेशन बांग्लादेश को पहले ही दे दी थी। एक और साजिश जरा सुनिए।
कुछ दिन पहले बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर एक हिंदू लड़की को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर त्रिपुरा में घुसने की कोशिश कर रही थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं उसी से बचने के लिए ये बच्ची बांग्लादेश से भागकर भारत आना चाह रही थी, मगर उसी वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने इस बच्ची को गोली मार दी। इतना ही नहीं, इसके बाद बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री की हिम्मत देखी, उसने ये ट्वीट करके झूठ भी फैला दिया कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से इस बच्ची को गोली मारी गई। आप चालाकी देख रहे हो इनकी, पहले तो आप बच्ची को गोली मार दो, फिर बाद में उस बच्ची की हिंदू पहचान बताकर उसके लिए भारत को टारगेट कर दो ताकि बांग्लादेश के हिंदुओं को भड़काया जा सके कि देखो भारत बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है। वो तो भारत की तरफ से इस झूठ का पर्दाफाश किया गया, तब जाकर दुनिया को ये सच्चाई पता लगी कि आखिर हुआ क्या। और जिन लोगों को अभी बांग्लादेश के अफगानिस्तान बनने पर शक है वो ये भी सुन लें, हेलो, जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब भारत में बहुत सारे चंपू इस बात पर उछल रहे थे कि देखो एक डिक्टेटर चली गई, वहां की जनता ने डिक्टेटर को उखाड़ फेंका। मगर तब हम पहले ऐसे चैनल थे जिसने तब भी यही बता दिया था कि अरे जाहिलो, शेख हसीना अगर चली गई तो खुश क्यों हो रहे, उसकी जगह अब जो लोग आएंगे उनसे न भारत का भला होगा और न ही बांग्लादेशी हिंदुओं का। और उसके बाद सिर्फ एक हफ्ते में हमारी सारी बातें सच साबित हो गई। जिस शेख हसीना को ये लोग डिक्टेटर बता रहे थे उसी शेख हसीना ने बांग्लादेश की पीएम रहते बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर लगाम लगाकर रखी हुई थी, उन्हीं की वजह से वहां के हिंदू सेफ फील कर रहे थे। और जैसे ही उनका तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश की जेलों से एक एक कट्टरपंथी छूटने लगा। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश की जेलों से तकरीबन 1200 कैदी जेल तोड़कर भाग गए, या फिर ये कहें कि भगा दिए गए। इन्हीं में से एक था इकरामुल हक, जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था। भारत की खुफिया एजेंसियों ने इसकी लोकेशन बांग्लादेश में ट्रेस की थी। शेख हसीना की सरकार को उसके बारे में बताया गया और तब जाकर वो पकड़ा गया था। मगर हसीना के जाने के बाद जो 1200 कैदी बांग्लादेश की जेलों से भागे उनमें भारत का मोस्ट वांटेड इकरामुल हक भी है। शेख हसीना के जाने पर ताली मारने वाले भारतीय बंदर आपको ये नहीं बताएंगे कि अब ऐसी खबर पर कैसे रिएक्ट करना है। एक वक्त बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह आए दिन आतंकी हमले होते थे, मगर 2016 के बाद से बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन एक्टिव हुई और वहां पर ये हमले काफी कम हो गए। मगर अब जब शेख हसीना नहीं है तो इन जिहादियों की मौज ही मौज है। ये जेल तोड़कर भाग रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुल्म ढाकर अपनी सालों की प्यास बुझा रहे हैं, सड़कों पर आकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, बांग्लादेशी मौलवी खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश के इन्हीं हालात को देखते हुए बांग्लादेश की प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन को कहना पड़ा कि बांग्लादेश आज पूरी तरह जिहादियों की मुट्ठी में जा चुका है। देखिए, जागरण में छपे उनके एक लेख में वो लिखती हैं कि बांग्लादेश में आज जमात इस्लामी और जिहादी समूह हिजबुल तहरीर से प्रतिबंध हट गया है। आईएस का झंडा लेकर हिजबुल तहरीर के लड़ाके ढाका में रैली निकाल रहे हैं। अलकायदा के गाइडेंस पर बने एहसानुल्लाह बांग्ला टीम के जिहादी नेता मोहम्मद जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया गया। तस्लीमा आगे लिखती हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर राजनीतिक दलों से ज्यादा जिहादी इस्लामिक समूह हैं। ये लोग खिलाफत की स्थापना करना चाहते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार बांग्लादेश अफगानिस्तान बने या नाइजीरिया बने, भाड़ में जाए, हमको क्या। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है दोस्त। एक तो बांग्लादेश में अगर सच में इस्लामिक कट्टरपंथी हावी होते हैं तो वहां रह रहे 1 करोड़ से ऊपर हिंदुओं का जीना मुहाल हो जाएगा। दूसरा, भारत के साथ बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इन 4000 किलोमीटर के बॉर्डर में से सिर्फ 80% पर अभी फेंसिंग हो रखी है। अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी होते हैं तो इन रास्तों से भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सकती है। पहले ही फेंसिंग ना होने की वजह से और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों से घुसपैठ करके लाखों करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में आ चुके हैं। ऊपर से मोहम्मद यूनुस जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके इरादे क्या हैं किसी को नहीं पता। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40,000 टन एम्युनिशन, 2,000 टैंक और 40 टन एक्सप्लोसिव खरीदा है। इतना हथियार खरीदने की आखिर उन्हें क्यों जरूरत पड़ी बताइए। इस हथियार का इस्तेमाल वो कहां करने वाले हैं किसी को नहीं पता है। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका या चीन किसकी शह है ये भी क्लियर नहीं है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत की फौज को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के आगे बांग्लादेश की फौजी ताकत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन बांग्लादेश कट्टरपंथ के जिस रास्ते पर आगे बढ़ गया है आगे चलकर इसमें उनकी तबाही तय है। जैसे कट्टरपंथ ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, वो उसकी पूरी सोसाइटी को खा चुका है, सेम टू सेम यही सब कुछ बांग्लादेश में होने वाला है। 71 से पहले जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था तो यहाँ रहने वाले बंगालियों की शिकायत यही थी कि पश्चिम पाकिस्तान हमारे साथ भेदभाव करता है, वहां की आर्मी हम पर जुल्म करती है। मगर आज वही सब कुछ वो अपनी माइनॉरिटी के साथ कर रहे हैं। जब अफगानिस्तान से अमरीकी फौज गई तो कट्टरपंथी बड़े खुश हुए, मगर आज अफगानिस्तान की जो हालत है वो पूरी दुनिया के सामने। बच्चियां वहां स्कूल नहीं जा सकती, औरतें काम नहीं कर सकती, पूरी तरह शरिया लॉ लागू है। जो बांग्लादेशी आज शेख हसीना के जाने के बाद ताली बजा रहे हैं उन्हें नहीं पता कि जल्दी बांग्लादेशी कट्टरपंथी वहां भी यही सब करेंगे जो अफगानिस्तान में।
पहले वहां के लोगों को धर्म के आधार पर काटा जाएगा, फिर बचे कुछ हिंदू भी जब वहां नहीं रहेंगे फिर ये लोग आपस में रीजन के नाम पर लड़ेंगे, फिर वहां क्लास की लड़ाई होगी और देखते देखते वो पूरा का पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। यकीन नहीं आए तो इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिएगा। अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा तो उसका अफगानिस्तान की तरह तबाह होना तय है, बस वो तबाही आएगी कब इसका इंतजार करना है। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि बांग्लादेश भी अफगानिस्तान बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है या उसके बचने की कोई गुंजाइश है? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें, और हाँ जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दें, जल्दी हम अपने सारे पॉडकास्ट, हर एक पॉडकास्ट का एपिसोड अपने नए चैनल द रौनक पॉडकास्ट पे अपलोड करने वाले हैं। ये नया चैनल है इसलिए इसके लिए हम आपसे उतना ही प्यार और सपोर्ट चाहते हैं जितना आपने हमारे बाकी चैनल्स को दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, उस चैनल का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वो लिंक अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। बाकी इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं यहाँ पर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।